अलीगढ़ के जट्टारी के हाजियापुर गांव की रहने वाली सोनू मालन अलीगढ़ रोडवेज डिपो की पहली महिला ड्राइवर होंगी। उन्होंने महिला ड्राइवरों की भर्ती का विज्ञापन अखबार में पढ़ा था। मालन ने ड्राइवर पद के लिए आवेदन किया। चुने जाने के बाद उन्हें 17 महीने की ट्रेनिंग के लिए कानपुर भेजा गया। अखबार में निकला था कि महिलाओं के लिए रोडवेज में अप्लाई करना है, तो मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मैंने यहाँ से 16 महीना कानपुर ट्रेन किया। ट्रेन के बाद मेरे को यहाँ पे भेज दिया, तो 16 महीना हो गए मेरे को भी ट्रेन करते करते, एक महीना और बचा। उसके बाद मेरे को यहीं पर रखेंगे, मतलब रोडवेज में ही मेरे को जगह मिल जाएगी। फिर न्यूज़पेपर में निकला था, पहले से मेरे पास हैवी लाइसेंस था और घर वगैरह पर ट्रैक्टर वगैरह चलाना सीखा, तो हम सोचे कि क्यों जगह नहीं, जगह निकली है तो सरकार जब मौका दे रही है तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। अब मालन को ड्राइवर के रूप में नियमित रूप से अलीगढ़ से नोएडा जाती हैं। ये पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की शानदार मिसाल हैं। और हमारी सरकार का जो विजन है कि महिला सशक्तिकरण में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे आएं, उसी के परिप्रेक्ष्य में इनको देख करके भी हमारा यह है कि अन्य लोग भी जो है इस क्षेत्र में आगे आएं और आगे बढ़ें, जिससे हमारी महिलाएं भी आजकल जो है पुरुषों के साथ साथ कंधा से कंधा मिला करके प्रत्येक क्षेत्र में आगे चलें, जिससे देश का विकास हो और समाज का विकास हो। सर कहाँ से कहाँ था ये बस चला के ले जाए? ये बस इस समय अभी अलीगढ़ से नोएडा चला रही है। मालन की ट्रेनिंग खत्म होने में महीना भर बचा है, इसके बाद वे अलीगढ़ डिपो रोडवेज में पहली और अभी तक इकलौती महिला बस ड्राइवर बन जाएंगी।